भारत और समकालीन विश्व भाग एक, कक्षा नौ के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। पुस्तक के बारे में। भारत और समकालीन विश्व भाग एक कक्षा नौ की इतिहास की पाठ्य पुस्तक है। सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा निर्मित 178 पृष्ठों की इस ध्वनि पुस्तक में तीन खंड और नौ पाठ हैं। खंड एक, पृष्ठ संख्या एक। इस खंड में आप फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और नाथसीवाद के उदय का इतिहास जानेंगे। आधुनिक विश्व की रचना में इन तीनों घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अध्याय एक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में है। आज हम मुक्ति, स्वतंत्रता और समानता को सहज, सुलभ और सामान्य मानकर चलते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इन सब का भी एक इतिहास रहा है। फ्रांसीसी क्रांति के जरिए आपको इस इतिहास के एक हिस्से को समझने में मदद मिलेगी। फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया। विशेषाधिकारों पर आधारित व्यवस्था से शासन की एक नई व्यवस्था उदित हुई। क्रांति के दौरान तैयार किया गया मानव अधिकार घोषणा पत्र एक नए युग के आगमन का द्योतक था। सबके एक समान अधिकार होते हैं और हर व्यक्ति बराबरी का दावा कर सकता है, यह सोच राजनीति की नई भाषा का हिस्सा बन गई। समानता और स्वतंत्रता की यह सोच एक युग का केंद्रीय विचार थी, लेकिन विभिन्न देशों में इन विचारों को नाना रूपों में समझा और साधा गया। भारत और चीन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों ने कई ऐसे विचारों को जन्म दिया जो बेहद रचनात्मक और मौलिक थे, लेकिन इन आंदोलनों की भाषा और मुहावरे को 18वीं सदी के उत्तरार्ध की घटनाओं से ही वैधता मिल रही थी। अध्याय दो में आप यूरोप में समाजवाद के आगमन और उस नाटकीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे जिसके चलते रूस के शासक जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी। रूसी क्रांति ने समाज परिवर्तन का एक नया तरीका गढ़ने का प्रयास किया। इस क्रांति ने आर्थिक समानता और मजदूर किसानों की बेहतरी का सवाल उठाया। इस अध्याय में आप नई सोवियत सरकार द्वारा शुरू किए गए बदलावों और उसके सामने आई समस्याओं और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानेंगे। सोवियत रूस की सरकार ने खेती के औद्योगिकरण और मशीनीकरण का कार्यक्रम तो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन उसने नागरिकों के कई ऐसे अधिकारों का हनन भी किया जो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के संचालन के लिए अनिवार्य होते हैं। फिर भी समाजवाद का नारा विभिन्न देशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन का हिस्सा बना। आज सोवियत संघ बिखर चुका है और समाजवाद संकट में है, लेकिन 20वीं सदी के पैमाने पर समकालीन विश्व का रूपाकार तय करने में यह सबसे शक्तिशाली ताकत था। पृष्ठ संख्या दो। अध्याय तीन में आप जर्मनी के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हिटलर के उदय और नाथसीवाद की राजनीति का विश्लेषण किया गया है। यहाँ आप नाथसी जर्मनी में औरतों और बच्चों की दशा और स्कूलों व यातना गृहों के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय से आपको पता चलेगा कि नाथसीवाद ने किस तरह विभिन्न अल्पसंख्यक समूहों को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया था, किस तरह उन्होंने यहूदियों का सफाया करने के लिए यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़काया और लोकतंत्र व समाजवाद के खिलाफ एक मारक युद्ध छेड़ दिया। नाथसीवाद के उदय की कहानी सिर्फ कुछ खास घटनाओं, सत्ता की पैशाचिक चाह, हत्याकांडों और मौत की कहानी भर नहीं है। यह विभिन्न स्तरों पर चलने वाली एक विस्तृत और दिल बहला देने वाली व्यवस्था की कहानी है। भारत में कुछ लोग हिटलर के विचारों से काफी प्रभावित हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों को नाथसीवाद के उदय पर खौफ ही महसूस हुआ। आधुनिक विश्व का इतिहास सिर्फ स्वतंत्रता और लोकतंत्र के फलने फूलने की कहानी भर नहीं है, यह हिंसा और निरंकुशता, मृत्यु और महाविनाश की कहानी भी है। पृष्ठ संख्या तीन। फ्रांसीसी क्रांति। 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस शहर में आतंक का माहौल था। सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था। अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है,
लगभग 7,000 मर्द तथा औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जन सेना का गठन करने का निर्णय किया। हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए। अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्टिल किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्टिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 थी। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक होने के कारण बास्टिल किला लोगों की घृणा का केंद्र था, इसीलिए किले को ढहा दिया गया और उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह संजोना चाहते थे। इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिसकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ? पृष्ठ संख्या 4। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। आइए जानते हैं पाठ में आए कुछ नए शब्दों का अर्थ। लिब्रे यानी फ्रांस की मुद्रा, जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। एस्टेट अर्थात क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग अर्थात चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह। टाइड अर्थात चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल अर्थात सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर। सन 1774 में बूर्वो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोनेट से हुआ था। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। वारसाय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। लुई 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने वित्तीय खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राजदरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई। पर यह कदम भी नाकाफी था। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट्स में बटा था और केवल तीसरे एस्टेट के लोग यानी जनसाधारण ही कर अदा करते थे। वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2, जिसमें बेचारा गरीब अनाज, फल, पैसा, सलाद सब कुछ लाता है, मोटू जमींदार सब कुछ स्वीकार करने को तैयार बैठा है, पर वह उसको एक नजर देखता तक नहीं। यह चित्र फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 7% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था
राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइड यानी धर्म कर के रूप में वसूल करता था। ऊपर से तीसरे एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। अप्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपयोग की वस्तुओं पर लगाया जाता था। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। पृष्ठ संख्या 5। जीने का संघर्ष, नए शब्द, जीविका संकट, यानी ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अनाम, यानी जिसका नाम मालूम नहीं है। जीने का संघर्ष, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। इसके फलस्वरूप अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफी तेजी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेजी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। फलस्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी और चौड़ी होती गई। स्थितियां तब और बदतर हो जाती जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफी आम थे। पृष्ठ संख्या 6। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। पहले भी कर बढ़ने एवं अकाल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे एस्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके थे। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग इसे खरीद लेते थे। तीसरे एस्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की यह परिकल्पना जॉन लॉक और जा जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। पृष्ठ संख्या 7। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकारित सरकार का प्रस्ताव रखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनी। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत थी। दार्शनिकों के इन विचारों पर कॉफी हाउसों व सैलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों एवं अखबारों को लोगों के बीच जोर शोर से पढ़ा जाता ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सकें। उसी समय लुई 16वें द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से
विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। पृष्ठ संख्या 8। क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आपने सुना कि किन कारणों से लुई 16वें ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट जनरल यानी प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों के अपने प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साय के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300-300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े किए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत समृद्ध एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। किसानों, औरतों और कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई 16वां इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसों ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उनका नेतृत्व मिराबियो और आबेसिये ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साय में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी दिए। आबेसिये मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका यानी पैम्पलेट लिखी। पृष्ठ संख्या 9। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर धावा बोल दिया। दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तील पर धावा बोलकर उसे नेस्तनाबूद कर दिया। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लठैतों लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं, जो पकी फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को लूट लिया और लगान संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुतों ने तो
पड़ोसी देशों में जाकर शरण दी। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई 16वें ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 12 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। पृष्ठ संख्या 10। फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली अब प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक यानी जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। पृष्ठ संख्या 11। संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त थे और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। पृष्ठ संख्या 12। राजनीतिक प्रतीकों के मायने। 18वीं सदी में ज्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विचारों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिये ने अपनी पेंटिंग में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को समझने की कोशिश करें। टूटी हुई जंजीर। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आजादी का प्रतीक है। छड़ों का बर्चीदार गट्ठर। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल है। त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप समानता का प्रतीक। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। पृष्ठ संख्या 13। लाल फ्राइजियन टोपी। दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। नीला सफेद लाल फ्रांस के राष्ट्रीय रंग। डेनो यानी पंखों वाली स्त्री। कानून का मानवीय रूप। विधिपट कानून सबके लिए समान है और उसकी नजर में सब बराबर हैं। पृष्ठ संख्या 14। फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। फ्रांस की स्थिति आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही।
यद्यपि लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन प्रशा के राजा से उसकी गुप्त वार्ता भी चल रही थी। फ्रांस की घटनाओं से अन्य पड़ोसी देशों के शासक भी चिंतित थे, इसलिए 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। लेकिन जब तक इस योजना पर अमल होता, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे, उनमें कवि राजेट दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। यह गीत पहली बार मार्सिलेस के स्वयं सेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था, इसलिए इस गाने का नाम मार्सिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को भारी क्षति एवं आर्थिक कठिनाइयां झेलनी पड़ी। पुरुषों के मोर्चे पर चले जाने के बाद घर परिवार और रोजी रोटी की जिम्मेदारी औरतों के कंधों पर आ पड़ी। देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। इनमें से जैकोबिन क्लब सबसे सफल था, जिसका नाम पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा, जो अब इस राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थीं और उन्होंने भी अपने क्लब बना लिए। इस अध्याय के खंड 4 में आप उनकी गतिविधियों एवं मांगों के बारे में और जानेंगे। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर, जैसे जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी साज, छपाई करने वाले और नौकर व दिहाड़ी मजदूर शामिल थे। उनका नेता मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर था। जैकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रिचेस यानी घुटन्ना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। यह ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। पृष्ठ संख्या 15। इसलिए जैकोबिनों को 100 कुलात के नाम से जाना गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। 100 कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिनों ने खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ल्यू लेरिए के महल पर धावा बोल दिया, राजा के रक्षकों को मार डाला और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। बाद में असेंबली के शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया गया। नए चुनाव कराए गए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं, को मतदान का अधिकार दिया गया। नव निर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। जैसा कि आप जानते हैं, गणतंत्र सरकार का वह रूप है जहां सरकार एवं उसके प्रमुख का चुनाव जनता करती है। यह वंशानुगत राजशाही नहीं है। आप कुछ अन्य गणतांत्रिक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखें कि वे कब और कैसे गणतंत्र बने। पृष्ठ संख्या 16। लुई 16वें को
न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉनकार्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। जल्द ही रानी मेरी एंटोइनेट का भी वही हश्र हुआ। आतंक राज्य। सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। रोबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। उसके हिसाब से गणतंत्र के जो भी शत्रु थे, कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, उनकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य, उन सबको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय उन्हें दोषी पाता हो तो गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सर कलम कर दिया जाता था। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकते आरे वाली मशीन था, जिस पर रखकर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर पड़ा। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। गोश्त एवं पावरोटी की राशनिंग कर दी गई। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए बाध्य किया गया। अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई। सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक माने जाने वाली समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया। बोल चाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। परंपरागत मानस्यूर यानी महाशय एवं मदाम यानी महोदया के स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों एवं महिलाओं को सितोयेन नागरिक एवं सितोयीन अर्थात नागरिका के नाम से संबोधित किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी त्राही त्राही करने लगे। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके अगले ही दिन उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। पृष्ठ संख्या 17। डायरेक्टरी शासित फ्रांस। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिनों के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। सरकार के स्वरूप में इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। पृष्ठ संख्या 18। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे एस्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए
खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। पृष्ठ संख्या 19। उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुईं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने वाले राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत तक एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। पृष्ठ संख्या 20। दास प्रथा का उन्मूलन। पृष्ठ संख्या 21। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलॉप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दागकर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान कर दिए जाएं या नहीं, परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए
अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। पृष्ठ संख्या 22। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्टील के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था। पृष्ठ संख्या 23। पाठ का सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावार मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। क्रियाकलाप। एक, इस अध्याय में आपने जिन क्रांतिकारी व्यक्तियों के बारे में पढ़ा है उनमें से किसी एक के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करें, उस व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी लिखें। दो, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसे अखबारों का जन्म हुआ जिनमें हर दिन और हर हफ्ते की घटनाओं का ब्यौरा दिया जाता था। किसी एक घटना के बारे में जानकारियां और तस्वीरें इकट्ठा करें तथा अखबार के लिए एक लेख लिखें। आप चाहें तो मिराब्यो, ओलप दे गूज या रोबेस्पियर के साथ काल्पनिक साक्षात्कार भी कर सकते हैं। दो या तीन का समूह बना लें।
हर समूह फ्रांसीसी क्रांति पर एक दीवार पत्रिका बनाकर बोर्ड पर लटकाएं। पृष्ठ संख्या 24। प्रश्न एक, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? दो, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? तीन, 19वीं और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई? चार, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। पांच, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर्विरोध थे? छह, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है?